होती हैं। विटामिन्स एंड मायोइनोसिटॉल, कुछ प्लांट्स अपने असेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ विटामिन्स को पूरा करने में सक्षम होते हैं, जबकि कुछ विटामिन्स नॉर्मल ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं और वो प्लांट्स में कैटलिस्ट की तरह कई प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कैटलिस्ट की तरह रिक्वायर्ड होते हैं। ये विटामिन्स एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह भी काम कर सकते हैं किसी टिश्यू के डिफरेंशिएशन में या फिर सेल की ग्रोथ में, ख़ास तौर से उस समय जबकि ये टिश्यूज़ या सेल ग्रोथ इन विट्रो कंडीशंस में हो रही हो। विटामिन्स ज़्यादातर यूज़ करे जाते हैं टिश्यू कल्चर मीडियम में, और ये विटामिन्स हैं थायमिन या B1, निकोटिनिक एसिड एंड पायरिडॉक्सिन B6। थायमिन इज़ नेसेसरीली रिक्वायर्ड बाय ऑल सेल्स फॉर ग्रोथ। थायमिन बहुत ही असेंशियल होती है सभी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। थायमिन को 0.1 से 10 मिलीग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन में यूज़ किया जाता है। निकोटिनिक एसिड एंड पायरिडॉक्सिन हालांकि बहुत ज़रूरी नहीं होते हैं सेल की ग्रोथ के लिए, परंतु ये भी फिर अक्सर करके कल्चर मीडिया में ऐड किए जाते हैं। निकोटिनिक एसिड की कंसंट्रेशन जो जनरली काम में ली जाती है वो है 0.1 से 5 मिलीग्राम पर लीटर तक, जबकि पायरिडॉक्सिन को 0.1 से 10 मिलीग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन तक यूज़ में लिया जाता है। दूसरे विटामिन्स जैसे कि बायोटिन, फोलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड एंड टोकोफिरॉल, जिसको कि विटामिन ई भी कहते हैं, राइबोफ्लेविन, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ये सब भी विटामिन सेल कल्चर में काम में लिए जाते हैं, कल्चर मीडिया में ऐड किए जाते हैं। हालांकि ये सब टिश्यूज़ के ग्रोथ लिमिटिंग फैक्टर नहीं हैं। टिश्यू कल्चर मीडियम में विटामिन्स को तभी काम में लिया जाना चाहिए जबकि थायमिन की कंसंट्रेशन बहुत ही कम हो, एक डिज़ायर लेवल से भी कम हो, क्योंकि सेल्स में जब व्हेन द सेल्स आर रिक्वायर्ड टू बी ग्रोन एट लो पॉपुलेशन डेंसिटीज, तभी ये काम में लिया जाना चाहिए। ऑल्दो इट इज़ नॉट अ विटामिन बट ए कार्बोहाइड्रेट, मायोइनोसिटॉल इज एडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज टू स्टिमुलेट सेल ग्रोथ ऑफ मोस्ट प्लांट स्पीशीज। मायोइनोसिटॉल एक कार्बोहाइड्रेट है जब विटामिन नहीं है, फिर भी इसे स्मॉल क्वांटिटीज़ में सेल ग्रोथ स्टिमुलेट करने के लिए ऐड किया जाता है। मायोइनोसिटॉल सेल डिवीजन में एक रोल प्ले करता है क्योंकि ये एस्कॉर्बिक एसिड एंड पेक्टिन में ब्रेक डाउन हो जाता है और इसका फिर इनकॉर्पोरेशन फॉस्फोइनोसिटाइड्स एंड फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल में होता है। ये दोनों एलिमेंट्स जनरली प्लांट सेल एंड टिश्यू कल्चर मीडिया में 50 to 5000 मिलीग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन में यूज़ किए जाते हैं। अमीनो एसिड्स भी कल्चर मीडिया का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। अमीनो एसिड्स एक डिज़ायर्ड कंसंट्रेशन में आवश्यक होते हैं टिश्यू की एक ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए, और ये अमीनो एसिड्स प्लांट्स द्वारा जनरली सिंथेसाइज किए जाते हैं, और कुछ अमीनो एसिड्स या अमीनो एसिड मिक्सचर्स आर पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट फॉर एस्टैब्लिशिंग कल्चर्स ऑफ सेल्स एंड प्रोटोप्लास्ट। कई सेल्स के या प्रोटोप्लास्ट के कल्चर्स को एस्टैब्लिश करने के लिए मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड्स आवश्यक होते हैं।
अमीनो एसिड्स प्रोवाइड प्लांट सेल्स विद अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन दैट इज इजीली असिमिलेटेड बाय टिश्यूज एंड सेल्स फास्टर देन इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन सोर्स। अमीनो एसिड्स प्लांट सेल्स को एक नाइट्रोजन सोर्स प्रदान करते हैं और ये नाइट्रोजन सोर्स टिश्यूज और सेल्स के फास्टर ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। अमीनो एसिड मिक्सचर जैसे कि केसिन हाइड्रोलाइसेट, एल ग्लूटामिन, एल एस्परजीन एंड एडिनिन, ये अमीनो एसिड्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं ऑर्गेनिक नाइट्रोजन की सोर्स की फॉर्म में टिश्यू कल्चर मीडिया में। केसिन हाइड्रोलाइसेट इज़ जनरली यूज एट कंसनट्रेशन बिटवीन 0.25 to 1 mg पर लीटर। अमीनो एसिड्स यूज फॉर एनहेंसमेंट ऑफ सेल ग्रोथ इन कल्चर मीडिया इंक्लूड ग्लाइसिन 2 mg पर लीटर, ग्लूटामिन अप टू 8 mmol पर लीटर, एस्परजिन एट 100 mg पर लीटर, एल आर्जिनिन एंड साइटिजिन एट 10 to 10 mg पर लीटर एंड एल टायरोसिन 100 mg पर लीटर। इस रेंज में ये कंसंट्रेशंस में ये यूज़ किए जाते हैं। इन सब न्यूट्रिएंट्स के अलावा टिश्यू कल्चर मीडियम में सॉलिडिफाइंग एजेंट्स भी यूज़ किए जाते हैं।